दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी देखो क्या है, मोती है, पक्का है मोती। जल्दी चलो, हो गया, रेडी हो गए, जल्दी चलो। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने देखा, हम लोग रेडी हो रहे हैं, सब लोग रेडी हो गए और हम लोग जा रहे हैं बीच, अक्सा बीच। तो जल्दी जल्दी करने में लेट हो ही जाता है, तो बस धीरे धीरे निकल रहे हैं हम लोग। चलो मिनल, जल्दी जल्दी चलो। हम लोग पहुंच गए अक्सा बीच। मिनाहिल हैप्पी? अक्सा रिजॉर्ट। और फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए अक्सा बीच, ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी इसलिए जल्दी ही पहुंच गए। फ्रेंड्स, अभी धूप ही है, धूप है, हमेशा शाम में आती हूँ लेकिन इस बार जल्दी आ गई। 3 बजे घर से निकल गई थी खाना वाना खाकर, और धूप है तो अच्छा भी लग रहा है। और पानी बहुत ज्यादा इस बार पीछे है, मतलब बहुत दूर जा चुका है। दिखाती हूँ आपको, देखिए पानी इस बार बहुत पीछे है और मुझे अच्छा नहीं लगता इतना ज्यादा पीछे। अभी हम लोगों को बहुत आगे जाना पड़ेगा, हमेशा यहाँ पर बैठते थे और पानी इधर रहता था। और देखिए मिनाहिल अपनी दादी को परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा लेकिन कम है पानी। देखिए यहाँ वहां तक का पानी होता है अभी यहाँ पे, देख के पैर दबा दबा कर। फ्रेंड्स, मिनाहिल बार बार भाग रही है, अपनी दादी को परेशान कर रही है, और उसे भीगने नहीं दूंगी। अफरान तो नहाने गया है लेकिन मिनाहिल को नहीं, क्योंकि उसे पहले से ही सर्दी है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए, और वो तो पानी में जाने के लिए परेशान होगी। फ्रेंड्स, नकाब मैंने उतार लिया है और बहुत हवा चल रही है इसलिए कि मेरा नकाब भीगे ना, तो मैं ब्लैक ब्लैक सूट पहन कर आई हूँ। और मिनाहिल तो जाने के लिए बिल्कुल परेशान है लेकिन मैं उसे जाने नहीं दे रही हूँ। अभी धूप है, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा अभी जब धूप खत्म हो जाएगी। तो मिनाहिल क्या कर लियो छी, फ्रेंड्स मिनाहिल को बचाते बचाते तो मिनाहिल भीगी गई है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी है, देखिए ये मेरी शेडो है, हाथ में मिनाहिल के शूज है, और एक ये मिला है सीप मिला है, और ये गॉगल्स है। तो आगे आगे मिनाहिल की दादी और वो दौड़ रही है, और अभी मुझसे वो मार भी खाई है क्योंकि बहुत बदमाशी कर रही है। चाची लोग पता नहीं किस तरफ गई है, उधर है शायद, अफनान नहा रहा है। मिनाहिल अभी इसे जूते से मारेंगे, रुको, बहुत परेशान कर रही है मिनाहिल बहुत ज्यादा। लेकिन मजा आ रहा है, मिनाहिल के पापा होते तो और भी ज्यादा मजा आता, उनके बिना कहीं जाने में अच्छा नहीं लगता है, वो होते तो ज्यादा अच्छा लगता है। इसके अंदर क्या है मालूम नहीं, इसके अंदर मोती भी होती है, अगर निकली तो इसे खोलकर देखना पड़ेगा, ये भारी लग रहा है लेकिन मालूम नहीं है खुलेगा कैसे। अभी हम लोग यहाँ पे चिटाई रेंट पे लेकर बैठे हैं, यहाँ पर चिटाई रेंट पे मिलती है। तो क्यों नहीं दिया वो तो मना कर दिया, ये मैंने बनाया, मिनाहिल ने तोड़ दिया, पूछा वो आपने दिया। तो ही बोला। अब हम लोग कौन खान जा रहे, फ्रेंड हम लोग अभी बैठकर कुछ कुछ खा रहे थे, कुछ चीजें घर से लेकर आए थे, और चाची ने कौन खरीदा तो कौन खाया हम लोगों ने, और बिस्किट्स लेकर आई थी, चिप्स लेकर आई थी, और भी सारी चीजें थी तो वो लेकर आई थी। चाची भी चूड़ा वगैरह लेकर आई थी क्योंकि बाहर आने के बाद से भूख तो ज्यादा ही लग जाती है ना इसलिए। तो अभी मिनाहिल और अफनान बैठकर खेल रहे, और मैं आम की कच्ची कैरी लाने जा रही हूँ क्योंकि ये यहाँ पे 12 मंथ मिलता है आम की कैरी और कॉर्न वगैरह सब, तो बस वही लेने के लिए जा रही हूँ। और अभी मिनाहिल खेल रही है, और अभी धूप है, 6 बजे से पहले निकल जाऊंगी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर बहुत परेशानी हो जाएगी ट्रैफिक में इसलिए। दे दीजिए, यहाँ पे 10 की 4 कैरी है तो ये ले रही हूँ कलर वाली, और ज्यादा खट्टी चीजें नहीं लूंगी। ये क्या है वैसे, ये अच्छा मीठी सौंफ। ये
मैंने लिया है आम की कच्ची कैरी और इसे लेकर अब जा रही हूँ। और 10 रुपए के लिए 10 के 4 दी है उस लड़की ने, एक ने कहा कि 3 तो मैंने बोला 4 दो, तो वो अच्छी लड़की थी जिसने मुझे दे दिया, तो लेकर अब जा रही हूँ। वैसे मम्मी तुम कहाँ पर बैठी? अच्छा थोड़ी दूर में है, वहाँ फिनाइल भी खेल रही है। बहुत अच्छी हवा चल रही, ठंडी ठंडी, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ आए हैं। विनाइल के पापा होते तो और भी अच्छा लगता। फ्रेंड्स वहाँ पे कैरी देकर यहाँ पर मैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मिनाहिल खेल रही है वहाँ पे और उसकी दादी उसे देख रही है। उसकी दादी है तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो सबसे, उनका पूरा ध्यान दिन भर मिनाहिल पे ही रहता है, वो अपना सब कुछ भूल जाती है, बस मिनाहिल को देखती रहती है, मिनाहिल का ख्याल रखती है। और बस मिनाहिल को कोई कुछ भी ना बोले, मैं डांट देती हूँ मार देती हूँ तो बहुत गुस्सा होती है, और मिनाहिल जितना भी बदमाशी करती है उसको डांटती नहीं उसकी दादी, उसकी दादी ने कभी नहीं डांटा उसे, तो वो देख रही है। और यहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बार बार बोल रही हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है इसलिए आप लोग को भी बता रही हूँ। पानी बहुत पीछे है, पानी से दूर हूँ, लेकिन हवा जो है ना बहुत अच्छी हवा चल रही है। देखिए फ्रेंड्स, मिनाहिल के पापा को याद करते करते मैंने क्या बनाया। और अब हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, तो मिनाहिल रेडी हो रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे सिल्वर मैन है, सब उसके साथ फोटो क्लिक करवा रहे थे। फ्रेंड्स मिनाहिल यहाँ पे झूला झूल रही है और चाची वहाँ पे अफनान के पास, अफनान जंपिंग कर रहा है। हेलो मिनाहिल, मिनाहिल हाय। छह बज गए और अब हम लोग जा रहे हैं वापिस। फ्रेंड आ गई हूँ घर पे और अभी जा रही हूँ दूध लाने के लिए, चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाची गई है, मतलब चाची वहीं पे उतर गई थी सब्जी मार्केट के पास। मैं, मिनाहिल और अफनान आए और मम्मी, तो अभी मैं जा रही हूँ डी मार्ट से दूध लेने के लिए। पूरे पैर बालू बालू हो रहे हैं और ये स्लीपर मैं हर जगह इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगता है। ऐसे मेरे साथ पास बहुत सारे शूज है और जूतीज भी है, लेकिन मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं वही पहनती हूँ। मुझे सब बोलते भी कि तुम अच्छे अच्छे रखती हो, पहन के क्यों नहीं जाती हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं दिखाना, मुझे खुद को कंफर्टेबल रखना है जिससे मैं आराम से घूम सकूं। डी मार्ट में मुझे ये दिखा तो मैंने सोचा कि मिनाहिल के लिए ले लूं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मिनाहिल को कुछ भी ले दूं वो बस 1 घंटा खेलती है, फिर उसकी वैल्यू नहीं होती उसे, इसलिए मैंने नहीं लिया। घर पे आने के बाद ये मिनाहिल के लिए ऑमलेट बना रही हूँ और चाय बनाया था तो मैंने पिया है और मम्मी ने पिया है, और यहाँ पे ब्रेड सेक रही हूँ मिनाहिल के नाश्ते के लिए। मिनाहिल ये कौन बनाया? मिनाहिल तोड़ दूँ? अच्छा ठीक है, इसको खड़ा कर देती हूँ, ठीक है, बाय बाय। डिनर में मैं मिनाहिल के लिए रोटी बना रही थी, बाकी सबका चावल था डिनर में। फ्रेंड्स खाना वाना खा लिया हम लोगों ने और अभी खाना खाकर बाहर आई हूँ थोड़ा सा वॉक करने के लिए। और ये है पर्शियन कैट। हेलो कितेन, क्यों दादी बोलती है? मिनाहिल ना कंफ्यूज हो जाती है, मुझे कहती है मम्मा फिर कहती है दादी, क्योंकि हर वक्त दादी मम्मा करती रहती है इसलिए। चलो अभी तुम क्या खाओगी? कल मिनाहिल को मैंने केक खिलाया था, अभी जा रही हूँ, मुझे आज डेयरी मिल्क खाने का मन हो रहा है, देखती हूँ। हाँ शट अप। फ्रेंड्स मिनाहिल को मैंने डेयरी मिल्क दिलाया है और वो खा रही है और किटन के पीछे पीछे भी घूम रही है। अब जा रही हूँ अंदर, थोड़ा सा वॉक करूंगी, उसके बाद सोऊंगी, जल्दी चलो। मिनाहिल मिनाहिल सुनो, फ्रेंड्स अभी ये जो मैं लेकर आई थी उसे जा रही हूँ फोड़ने के लिए, शायद इसके अंदर से कीड़ा भी निकल सकता है या मोती भी, कीड़ा निकलेगा तो मैं फेंक दूंगी और मुझे डर भी लगेगा। और यहाँ पे ये दोनों बैठे हैं, वो वाला दीजिए उसी में फेंकेंगे। और यहाँ पे बिस्तर लग गया, आज हम लोग सब एक नीचे ही सो रहे हैं, कोई ऊपर नहीं सो रहा है क्योंकि चाचू और शादान गए हैं पुणे, इसलिए मैं, चाची, मम्मी, अफनान, मिनाहिल, अरमान। मोती आएगा निकालने जा रही हूँ, ओके देखती हूँ क्या है। टिश्यू
कीड़ा भी नहीं। दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई। फ्रेंड इसे खोलने के बाद देखिए तोड़ा है मैंने, अब इसके अंदर क्या है पता नहीं। मैंने अरमान को बोला इसे पकड़ो ना, दोनों दोनों स्पून लो, अगर इसे मोती निकला तो वाह। देखो क्या है, मोती है, पक्का है मोती है, सच में मोती। देखो होगा उसके अंदर ही होगा, देखो देखना मोती होगा। निकालो 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 मोती। अरे अरमान दिखा दिखा दिखा, नहीं है, देखो ना अंदर से निकालो ना, होगा तो इसमें देखो ये है, नहीं है यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे इसके अंदर रहता है मोती, नहीं दिख रहा है? ये है मोती, वो लोग कैसे हाथ से निकालता है, नहीं है ना? हम्म, ठीक जाओ उसको धो दो, जा मम्मी कचरा फेंकने की, इसको फेंक क्या नहीं निकला, इतना मेहनत मिला बर्बाद, कुछ नहीं निकला, जाओ जाओ मम्मी कचरा फेंकने की, फेंक दो मोती निकला विनील इधर देख, सुन ना मोती निकला, कैसी हंस ली विनाइल, डरा 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 ना, डरा ना विनाइल को, गिर जाएगा आपका मुंह, भी खाएंगे बर्गर भी खाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, ये आइसक्रीम भी, आप फ्रेंच फ्राइज, डोनट्स भी खाएंगे, पर मामा के पास तो पैसा नहीं है, कौन खिलाएगा, और चॉकलेट भी खाएंगे, चॉकलेट भी, पापा पैसा कौन देगा, पापा, तो पापा के पास कहाँ से है, गूगल पे तो नहीं है पैसा, नहीं तो कैसे देंगे पास का। फ्रेंड्स विनाइल बहुत मस्ती कर करके सो गई है, और अभी बहुत रात हो गया है, रात हो गया इतना के 2 बजने वाला है, 1:45 हो रहा है, और मैं ऊपर वाले रूम में हूँ, सब नीचे सो रहे हैं। मैं मिनाहिल के पापा से बात कर रही थी तब से, और अभी वो चेन्नई में है तो उनसे ही बात कर रही थी वीडियो कॉल पे, तो अब जा रही हूँ मैं भी नीचे, और मिनाहिल अपनी दादी के पास सो रही है, और ज़्यादा मैं व्लॉग भी आजकल नहीं बना पा रही हूँ, और किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैं मुंबई में रहती हूँ, और आप मेरा घर कौन सा आपने पूछा, तो अभी जहाँ पे मैं हूँ ये मेरी चाची का घर है, मतलब मेरे हस्बैंड की चाची का, तो मेरी सास भी आई है तो वो यहीं पे है, तो मैं भी यहीं पे रुकी हूँ, ये 4-5 दिनों से मैं यहीं पे सो भी रही हूँ, यहीं पे हूँ, और मिनाहिल के चाचू लोग भी आए थे तो वो चले गए हैं, तो अभी उसके दादा आ रहे हैं तो उसके दादा के साथ जाएंगी दादी उसकी, और मेरा घर दूसरा है, जो लोग अभी न्यू व्लॉग देख रहे हैं वो उनको नहीं मालूम होगा, किसी ने कमेंट किया था मुझसे कि आपका घर कौन सा है, तो मेरा घर दूसरा है, ये मेरी चाची का घर है, तो आज मैं अक्सा बीच गई थी और बहुत इन्जॉय किया मिनाहिल ने, बच्चों ने, सबने मिलकर, अफनान ने भी, तो बहुत मज़ा आया, तो बस अपना व्लॉग मैं यहीं पेंट कर रही हूँ अपने व्लॉग का, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।